नमस्कार, मैं भावना सोनी, आवाज डेली हरसी टीवी से। आज मैं मौजूद हूँ हजारीबाग के छठतला अवस्थित चित्रगुप्त मंदिर में। कायस्थ परिवार के लोग चित्रगुप्त पूजा मनाते हैं। आज हम जानेंगे कि ये लोग क्यों चित्रगुप्त पूजा मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग से जानेंगे। जब मंत्र लिख ली है उसके बाद उसको बंद करके हम लोग रख देते हैं, उसके बाद कलम नहीं छूटता। अच्छा। और इस पूजा में क्या क्या आप लोग चढ़ाते हैं, क्या होता है? मिठाई है, फल प्रसाद वगैरह है। बहुत ही धूमधाम से हम लोग इस पूजा को मनाते हैं। इस बार तो कुछ खास, इस बार COVID-19 के वजह से बहुत सा गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए वो सब नहीं कर। ओके सर, थैंक यू। उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग को परमिशन मिलेगा, लेकिन COVID-19 को देखते हुए इस बार हम लोग को परमिशन नहीं मिला, इसलिए इस बार हम लोग सारा कार्यक्रम को स्थगित किया। प्रोग्राम से रिलेटेड था, जैसे हर बार होता था कि बच्चा लोग का वाद विवाद प्रतियोगिता हम लोग करवाते थे। महासचिव हैं, मैं अध्यक्ष हो गया। अच्छा, आप ही बताइए पूजा के बारे में कुछ। देखिए, हर साल हम लोग का पूजा जो होता था उसका रूपरेखा अलग होता था। जैसे ऑर्केस्ट्रा होता था, कुछ भजन मंडली आता था, विसर्जन भी होता था तो भजन मंडली के साथ ही होता था, जिसको जागरण बोल सकते दूसरे शब्दों में। तो वैसा यहाँ से शोभा यात्रा निकलता था विसर्जन का, या जो पूजा होता था तो पंडाल तो ऐसा ही रहता था, लेकिन इससे कुछ बड़ा और किया जाता था, जिसमें जो लोग आते थे अपने समाज के हों, किसी भी समाज के हों, उनका स्वागत होता था। हम लोग भैयारी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, मतलब जिसको कह सकते हैं आप लंच, कि समाज के लोग आए उसमें तो दोपहर का भोजन होता था यहाँ पे, सात्विक भोजन होता था, मतलब पूजा वाला जो भोजन होता है उसी को कह सकते हैं भाई। तो भैयारी मीन्स भैयारी मीन्स हो गया भैया, भाईयारी। उसमें समाज के लोग, अपने समाज के और भी कुछ अपने इष्ट मित्र लोग आते थे, और हम लोग सामूहिक रूप से यहाँ पे यही सी पंडाल में भोजन करते थे। इस बार ऐसा कार्यक्रम करने की इच्छा तो इस बार सब कुछ था, लेकिन गाइडलाइंस ऐसा था कि हम लोग नहीं किए, कि कानून का उल्लंघन करना ठीक नहीं होगा, तो अच्छे से पूजा संपन्न हो जाए यही हम लोग चाह रहे हैं। पूजा संपन्न हो गई है, अभी पूजा हुआ है, अभी दिन भर लोग आएंगे प्रसाद लेंगे। हाँ, शाम में भी पूजा होगी, कल फिर हवन होगा, हवन के बाद फिर विसर्जन की तैयारी होगी। तो इस बार विसर्जन जो है वो पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ होगा, क्योंकि गाजा बाजा अलाउड नहीं है प्रशासन के द्वारा,
तो पारंपरिक ढोल नगाड़ा के साथ में विसर्जन होगा सादे रूप में, जिसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है, किसी तरह का कोई बात नहीं। मतलब ये जो पूजा है दिवाली के दूसरे दिन मनाते हैं? दिवाली के दो दिन के बाद, दिवाली के बाद सेकेंड डे में गोवर्धन पूजा होता है, थर्ड डे ये पूजा होगा। तो ये हर साल इसी दिन मनाया जाता है, दिवाली के दो दिन के बाद, मतलब एक दिन छोड़ के सेकेंड डे। तो चित्रगुप्त पूजा का अपना महत्व है, कायस्थ लोग बचपन से ही पूजा करते आ रहे हैं, चित्रगुप्त पूजा वो कहीं भी रहे छोड़ेंगे नहीं। तो इस पर में आप लोग फास्ट मतलब सहे रहते हैं दिन? हाँ, पूजा तक का फास्टिंग होता है, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं इस पूजा में कि दिन भर का फास्टिंग होता है। फिर सेकेंड डे जो हवन होता है, तो हवन फास्टिंग में कर लिए, हवन के बाद आप खाना खा सकते हैं। होता था यहाँ पे पूजा के बाद शाम को यहाँ पे बच्चे लोग का प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम होता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना के कारण सब कुछ रोका गया है और हर जगह रुका है इस चीज़ को। तो कोरोना की वजह से यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, सैनिटाइजर वगैरह रखवाए हैं, एक आपस में लोग तो जागरूक हैं, ये तो उस हिसाब से ही कार्य हो रहा है सब कुछ। सर आप बताइए कुछ, क्या विशेषता है इस मंदिर की, क्या खासियत है? मंदिर की खासियत के बारे में क्या कहना, यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो कि मंदिर को जानते हैं, शहर के बीचों बीच में है। और पूजा हम लोग धूमधाम से मनाने का प्रयत्न हर वर्ष करते हैं, बस इस वर्ष नहीं हो पा रहा है, कारण सिर्फ कोविड की वजह से कम लोगों की उपस्थिति यहाँ पर। प्रोग्राम ही विशाल होता था यहाँ, कलकत्ता से बम्बई से कलाकार लोग आते थे, रात भर प्रोग्राम होता था, 2 बजे 3 बजे सुबह तक चलता था, नेक्स्ट डे भैयारी होता था, हजारों लोग यहाँ खाना खाते थे। ये सारा कार्यक्रम इस साल पोस्टपोन कर दिया गया, मात्र पहले की जैसा एकदम ना एकदम नहीं, पहले साथ कुछ कुछ भी नहीं लग रहा कि पूजा इस साल हो रहा था। तो इस साल खाली पूजा हुआ, 10-15 दिन बैठे पूजा हुआ और शाम को आरती होगी, कल नेक्स्ट डे हवन होगा, हवन के बाद शाम को विसर्जन होगा। और पहले विसर्जन होता था तो पूरा बाजा गाजा प्रोग्राम के साथ ही होता था, इस साल तो कुछ ऐसा नहीं है, साधारण पूजा हो रही है। क्या विशेषता है यहाँ के स्थानीय लोगों से जाना है, यहाँ के प्रबंधक से जाना है कि क्यों मनाते हैं चित्रगुप्त पूजा? तो हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आवाज़ डेली हर्षित टीवी। धन्यवाद।